हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके व्यूवर्स, तो यही देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहती हैं, या इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो अभी तक हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं द चैरियट, द हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्स। और यहाँ जो साइन है वो है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस अवेलेबल हैं और यहाँ जो नंबर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 7 नंबर 9 नंबर 8 नंबर 5 नंबर 1 नंबर। ओके व्यूअर्स, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए लकी भी हो सकते हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं द चैरियट के कार्ड से। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पार्टनर से कंप्लेंट्स हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन क्यों नहीं लेते, और अगर इतना सोचते हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते। तो ओके व्यूअर्स, इसका जवाब भी मैं आपको देती हूं कि वो क्यों एक्शन नहीं लेते। काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं बट सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। बहुत सारे काम तो हम कर भी लेते हैं बट बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह आपके पार्टनर भी आपके लिए एक्शन लेने का सोचते हैं बट कुछ मजबूरियाँ हैं जो उनकी लाइफ में भी हैं, जिसकी वजह से वो हो सकता है आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना हर इंसान चाहता है बट बहुत सारे लोग ही उस पर अमल कर पाते हैं, ले पाते हैं। उसी तरह आपके पार्टनर की भी कुछ मजबूरियां हैं और वो मजबूरियां क्या हैं, चलिए देखते हैं। एक तो ये पर्सन ना द हर्मिट के मोड में है, अपनी गलतियों को रियलाइज तो कर पा रहे हैं। इन्होंने जो पास्ट में गलतियां कर दी हैं ना, चाहे वो गलतियाँ इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप में रहकर की हों या फिर इन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसे फैसले कर लिए हैं जिसकी वजह से आज ये पछता रहे हैं और ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं उन गलतियों के बारे में कि ये गलतियाँ इनको नहीं करनी थी, जिसकी वजह से इनके अंदर नेगेटिविटी भी आ गई है और ये अपने आप को ना ब्लेम कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है ये सारी गलतियाँ इनकी हैं, इनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और इनका करियर भी कुछ हद तक ख़राब हो चुका है। तो ये पर्सन ना आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं और अपनी गलतियों को रियलाइज़ भी कर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ये सोचते रहते हैं। और अगर एक इंसान की बात करी जाए, हम हो या आप हो, कोई भी हो, हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स, ऐसे ख्यालात चलते ही रहते हैं दिन भर। कुछ ना कुछ हमारा माइंड सोचता ही रहता है, बिना सोचे तो शायद रह भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हैप्पीनेस देती हैं, हम उनके बारे में भी सोचते हैं। और ऐसे बहुत सारे दुख होते हैं हमारे जीवन में जिन्हें सोचने के लिए हम मजबूर होते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पाएँ। और जो इंसान सोचेगा ही नहीं तो अपनी गलतियों को भी कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएगा। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन भी ना अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं किस तरह से ये आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि यहाँ हमारे पास एट ऑफ वैंड्स भी आ गया है। इस पर्सन की लाइफ में आपके बिना ना सब कुछ अधूरा अधूरा सा है, इस पर्सन की लाइफ अधूरी हो गई है। आपको ये बहुत मिस करते हैं बट इनकी बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ हैं और उनमें से एक मजबूरी जो है ना वो ये हो सकती है कि इनका करियर इन दिनों बहुत ही ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से ये ना खुद को असहाय और मजबूर महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। इस पर्सन की लाइफ में ना जो भी इसे अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, इसकी नेगेटिविटी की वजह से ना ये उसे कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर्सन के लाइफ में ना इस वक्त करियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, नाइट ऑफ कप्स आ गया है और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं खुद को मजबूर और बेसहारा और असहाय महसूस करते हैं। इस पर्सन की लाइफ में रिश्तों की भी बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है
और ये पर्सन ना आपको बहुत मिस करते हैं, इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत प्यार वाली हैं, ये आपके लिए बहुत प्यार महसूस करते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं ना वो रिस्पेक्ट वाली भी हैं, प्यार वाली भी हैं, इमोशनली ये आपके लिए ना काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं। इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं, ये कभी कभी रात में या फिर दिन में भी रो लिया करते होंगे, ये बहुत रोते होंगे और इनको ऐसा लगता होगा कि इन्होंने ना एक ऐसे पर्सन को खो दिया है जो इनसे बहुत प्यार करता था, इनके रिस्पेक्ट करता था, इन्हें कितना मतलब सपोर्ट करता था, इनके लिए अपना दिल खोलकर रख दिया था उस पर्सन ने। तो व्यूअर्स, आपके बारे में ना बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं ये पर्सन, आप भी इनके लिए पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव वाइब्स भेजा करें। इस पर्सन के दिल में आपके लिए एक टाइम वो था जब ये पर्सन चाहते थे कि आपको कैसे भी करके ना हासिल कर लें, आपको चुरा लें आपकी फैमिली से, और ये ना आपके लिए एक्शन लेने के लिए भी रेडी रहते थे। बट सडनली ही इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ गए हैं, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। अब ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं और इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं ना वो आपको मिस करने वाली ही हैं, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।